चार चरणों में जो वोटिंग हुई है उसके साथ ही दक्षिण भारत में मतदान पूरा हो चुका है। इसके साथ ही कश्मीर जहां पर अलग अलग चरणों में वोटिंग होनी है, एक एक सीट पर वोटिंग होनी है, वहां जब वोटिंग हुई तो जबरदस्त आंकड़े मतदान के नजर आए। अब याद कीजिए जब प्रधानमंत्री ने धारा 370 को वहां से हटाया था तब कश्मीर को लेकर किस तरह की बातें हुई थी, और तब आज की वो सूरत देखिए जहां श्रीनगर में 26 साल का रिकॉर्ड टूट गया मतदान का। और जब फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से आएगा तब तक ये भी समझिए कि शायद सभी रिकॉर्ड अब तक के मतदान के वहां ध्वस्त हो चुके हों। जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। जिस कश्मीर को 370 से आजादी दिलाई, उसी कश्मीर में 370 से मुक्ति के बाद जब पहली बार जनता वोट देने निकलती है तो श्रीनगर में लगी मतदाताओं की लंबी लाइन बता देती है कि लोकतंत्र पर कश्मीर के भरोसे की लकीर बहुत लंबी खींची जा चुकी है, जिसे अब आतंकवाद, अलगाववाद और देश विरोध की साजिशों की लकीरें छोटा नहीं कर सकती। श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज मतदान का दिन, और कई लोग इसे कश्मीर में डेमोक्रेसी के वापस आने के दिन की तरह भी देख रहे हैं। गलत भी नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल से बिल्कुल जो पॉलिटिक्स था, खासकर इलेक्शन पॉलिटिक्स, ठप हो गया था, 370 हटा था, और हम जानते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे जो है चेंजेस हुई पॉलिटिकल लैंडस्केप में, और उसके बाद जो है यहाँ के लोग, यहाँ के पॉलिटिशियंस, ग्रास रूट वर्कर्स इंतजार कर रहे थे इस दिन का, और दिन आ गया। और आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, एक तरफ से जो है औरतें भी निकली हैं वोट डालने, मर्द भी हैं, और ऐसी तस्वीरें हमें जो है कई अलग 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 इलाकों से भी मिली हैं। जो पूछते हैं कि कश्मीर में क्या बदला, उन्हें ये रिपोर्ट दिखाइए, दिखाइए हिंदुस्तान की जमहूरियत पर धरती की जन्नत के भरोसे को, दिखाइए इन आंकड़ों का आईना भी उन लोगों को जो कहते थे 370 हटाया तो न जाने क्या होगा। जहां अब 2019 की वोटिंग का रिकॉर्ड सोमवार को पहले 4 घंटे में ही श्रीनगर के लोगों ने तोड़ दिया। 2019 में 14.43% मतदान श्रीनगर में हुआ था, अब की बार शाम 5 बजे तक 35.75% मतदान श्रीनगर में होने का आंकड़ा आया। 26 साल पहले 1998 का रिकॉर्ड भी श्रीनगर के मतदाताओं ने तोड़ दिया। 1998 में श्रीनगर में 30% मतदान हुआ था, अब की 5 बजे तक 35.75% वोटिंग हुई। 2004 से 2014 तक के मतदान के हर रिकॉर्ड को इस बार श्रीनगर के लोगों ने तोड़कर जमकर वोटिंग की। वैसे भी बहुत बदलाव आए, इंशाल्लाह वोट डालेंगे, देखेंगे और भी क्या बदलाव आएगा। तो क्या बदलाव चाहते हो आप? बदलाव ये चाहते हैं कि बहुत टाइम से यहाँ पे कॉलेज बंद रह रहे थे, वैसे भी फिर भी आज रोड ठीक है, कुछ रोड नहीं था यहाँ पे, फिर भी हालात बहुत बदले। इंशाल्लाह हम चाहेंगे और भी ज्यादा बदले, जैसे बाकी जैसे इंडिया है, दिल्ली है, यहाँ भी वैसे इंशाल्लाह। 2-3 साल से बहुत हालात सुधरे हैं, जैसा कि यहाँ पे पहले था कश्मीर में, ये 2-3 साल से यहाँ पे बहुत माहौल का बदलाव है। श्रीनगर लोकसभा में ही पुलवामा भी आता है, यहाँ पर भी वोटर की लाइन लगी दिखती है, उंगली पर लगी स्याही का निशान कश्मीर में अमन की गवाही देता है। आज लोग भारी तादाद में लोग वोटिंग के लिए निकले, नौजवान निकले मेरे जैसे, बहुत अच्छा माहौल है, बाहर से सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है, फ्रीली घूम रहे हैं, ऑब्जर्वर्स हो या एजेंट्स हो, पोलिंग एजेंट्स फ्रीली, बहुत ही फ्रीली घूम रहे हैं, एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। उस वक्त अलग माहौल था, आज तो अलग माहौल, बहुत बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क, प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से वोट डाल। श्रीनगर में मतदान केंद्र के बाहर ही लोग एक दूसरे को चाय पिलाते दिखते हैं, लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाता है। कश्मीर में डेमोक्रेसी की वापसी है, इस वक्त हम बेमिना इलाके में बैठे हैं, और सोचा नहीं था कि इलेक्शन कवरेज के दौरान हमें जो है एक पिकनिक का माहौल मिलेगा। यहाँ पे बाहर जो है इस इलाके की कुछ औरतें हैं, चाय और कश्मीरी रोटी, आप पहले कश्मीरी रोटी भी हमें दिखाइए, नून चाय जिसको सॉल्ट टी या जो है नमक वाली चाय कहते हैं, कश्मीर की ट्रेडिशनल चाय है, और यहाँ ये औरतें बैठी हैं और जो भी यहाँ आ रहा है उसको चाय पिला रही हैं। चाय आपने लाई है, सबको चाय दे रही है? हाँ, सबको चाय दे रहे हैं। या सिर्फ उनको चाय दे रहे हैं जो आपका जो जिस पार्टी को पसंद? नहीं नहीं, सबको चाय दिया, सबको चाय, सबको चाय दिया। हाँ जी,
जीते तो संविधान बदल देने के सियासी आरोपों के बीच हिंदुस्तान के आईन पर यह भरोसे की ऐसी दस्तक है जिसे देखकर हर देशवासी खुश होता है। जहां चुनाव आयोग और आगे फाइनल आंकड़ा देगा तो संभव है 1996 में हुई अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड भी श्रीनगर तोड़ दे।